वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आ चुका हूँ न्यू वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, नितेश बहुत टाइम से इनएक्टिव थे, रेगुलर नहीं हो पाए थे। मैं कुणाल भाई, मतलब सब लोग इनएक्टिव थे। और बट उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आप लोग इतने सारे मैसेज, इतने सारे कमेंट कि आप इनएक्टिव क्यों हो। अब मैं रेगुलर रहूँगा यार, पता नहीं कब रहेंगे, बस रहेंगे। मैं हमेशा सोचता हूँ हमेशा कि एक्टिव रहूँ, बट यार कुछ ना कुछ हो जाता है। इस बार तो बहुत दिक्कतें आई, बट अब सब सॉल्व है। अब रेगुलर वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। आज की वीडियो बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये नितेश बताएंगे, खुशी बताएगी क्योंकि आज हम करने वाले हैं व्हाट्स इन माय फोन सेगमेंट। व्हाट्स इन माय फोन सेगमेंट, ऐसा लग रहा है मेरा गला बैठ गया। हाँ, सो आज हम तीनों के राज आप सबको पता चलेगा और हमें भी पता चलेगा। हमें भी नहीं पता, हम क्योंकि हम एक दूसरे का फ़ोन, मैं कुणाल भाई का फ़ोन चला लेता हूँ कभी कभी, बट इसने तो पासवर्ड भी नहीं बताया हुआ अपना। बट लड़कियों के फ़ोन नहीं चलाने चाहिए। तो खुशी की सारी इन्फॉर्मेशन आज हम इस तरीके से निकलवाएंगे। हाँ, धीरे धीरे करके। इसमें क्या होगा कि हम एक दूसरे रैंडम क्वेश्चंस पूछेंगे कि मतलब फोन से रिलेटेड, मतलब जैसे कि फोटोज पूछ ली, एप्लीकेशन क्या क्या, फोटोज पूछ ली, एप्लीकेशन पूछ लिया, एप्लीकेशन पूछ लिया, फोटोज पूछ लिया मैंने। और ये वीडियो मैंने अभी तक बताई नहीं थी किसी को भी, एक घंटे पहले बताया कि कोई डिलीट ना कर पाए अपनी चीजें। हाँ, तो सेगमेंट जैसे ऐसा होने वाला है। बट आप लोग सोच रहे हो कि मुझे पता था, मैं डिलीट कर चुका हूँ, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सही में कुछ नहीं किया। और जैसे कि आप सबको पता है कि कुणाल भाई की तबीयत खराब है, इनका बुखार जा ही नहीं रहा, जा रहा है। बट अब फेवर जा चुका है, इनका थोड़ा सर में दर्द वगैरह है। और ये सच्चाई बताओ तो कुणाल भाई ने नहाया भी नहीं 2 दिन से। वो तो फीवर वगैरह आ रहा है, इसलिए नहा नहीं रहे। और टेस्ट भी करा लिया हमने, सब नॉर्मल है, बस थोड़ा फीवर है, वेदर वगैरह चेंज हो रहा है। तो बट फर्स्ट सेगमेंट खुशी स्टार्ट करेगी। व्हाट वाज द लास्ट फोटो यू टुक? चलो फोन जल्दी चेक करो। चलो हम आपको भी दिखाएंगे स्क्रीन पे। मैं क्यों दिखाऊंगी, मैंने तो कुछ पूछा है। तू भी दिखाएगी, ऐसा थोड़ी है। कार में क्लिक करी है तो दिखा, तो पता नहीं कब की होगी। मैंने मैक की ली हुई है, सॉन्ग सुनते हुए मैंने मैक की ली हुई है। इसने अपनी ब्राइटनेस बढ़ाता है। ये तो लग रहा है ये जब मेरे को लेन पिक करना है तब की फोटो है ये। Yes. हाँ, ये खुशी ने ली हुई है। अपना दिखाओ। ये तो भाई लास्ट दिखानी है। लास्ट इनके फोन में एक वीडियो है, लेकिन फोटो कौन सी ली हुई है इन्होंने? फोटो ही स्क्रीनशॉट दिखा दो। ये ली हुई है फोटो जिम की। ये किस लिए? स्नैप डाली होगी। नहीं, ये मैंने भेजी थी, तो मैंने इनको भेजी थी। इनकी तबीयत खराब थी, जिम नहीं गए थे, तो मैं इनको चिढ़ाने के लिए जिम की फोटो लेके इनको भेजी थी। हेलो फैमिली, जैसे कि आप सबको पता है नवरात्रि खत्म हुए और अब फेस्टिव सीजन भी स्टार्ट होने वाले हैं। और इन चीजों में खुद की केयर करना कितना मुश्किल है, स्पेशली बॉयज को, क्योंकि बॉयज को लिमिटेड चीजें मिलती है। बट इन फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने के लिए मैं बॉयज के लिए लेके आया हूँ बियर्डो का विस्की स्मोक परफ्यूम और बियर्डो का गॉडफादर, जो की बेस्ट परफ्यूम है। अभी मैं दिखाता हूँ विस्की स्मोक, और इसकी स्मेल इतनी प्यारी है ना कि मैं क्या बताऊं। ये स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग है। पर अब मैं दिखाता हूं बियर्डो का गॉडफादर परफ्यूम। इस परफ्यूम की भी स्मेल बहुत अच्छी है, ये भी स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग है। आप दोनों यूज कर सकते हो, जो कि बेस्ट प्रोडक्ट है। अब आप लोग पूछोगे कि मैंने परचेज कहां से किया है, तो मैं आप सबको ये बता दूं, ये मैंने ट्रेल शॉप से परचेज किया है, जहां पर ग्रैंड सेल चल रही है, जहां पर आपको बजट फ्रेंडली प्राइसेस मिल जाते हैं। और यहां पर आप अपने फेवरेट ब्रांड्स के साथ लाइक बॉम्बे शेविंग कंपनी, लैक्मी, लोरियल, प्लम और बियर्डो जैसी और भी बहुत सारे ब्रांड्स के ऊपर 70% का ऑफ पा सकते हैं। इसके अलावा भी आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो ये कूपन कोड यूज करना ना भूलें, इसके थ्रू मिलेगा आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट। अब मैंने पूरा प्रोसेस आपको दिखा दिया है किस तरह से कूपन कोड को अप्लाई करना है और ये 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट को एंजॉय करना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग गाइस की फ्री शिपिंग है ऑल ओवर इंडिया, तो वेट किस चीज का कर रहे हो, गो एंड शॉप नाउ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से चेकआउट करो। कुणाल भाई के बाल देख सकते हो आप, सेट ही नहीं हो रहे। अभी इन्होंने सेट किया है, बट मैं सेट करता हूँ क्योंकि मेरे हाथों में पसीने बहुत आते हैं। इनका हाथ चलता फिरता वैक्स है, मेरे हाथ में पसीने बहुत आते हैं यार, तो मैं इनके बाल सेट करूँ बार बार। नितेश बाबर से वैक्स लगाने के बस 20 रुपए, कुणाल भाई 60 रुपए देंगे। 3 बार सेट कर चुका हूँ मैं इनके बाल, 2 मिनट बाद बिगड़ जाते हैं। 40 नो केमिकल हार्म, नेचुरल हाथों से। देखो हो गया ना थोड़े बहुत सेट। चलो खुशी तुम्हारे एक काम कर। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लास्ट टेक्स्ट दैट यू रिसीव्ड? और इसमें अभी बना गया वॉशरूम, तो मेरे माइंड में क्या आ रहा था कि ओवर स्मार्ट तो मैं हुई बचपन से। नितेश मैम क्या करेंगे अभी अभी कुणाल को पता नहीं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, तो नितेश मैम कुछ ऐसा करेंगे, अभी इनको पता भी नहीं है, मैं बता तो सही, मैं तो सुन रहा हूं। तो लास्ट टेक्स्ट रिसीव्ड है, कुणाल भी चेक कराएगी, नितेश भी, मैं भी। तो अब मैं नितेश का नाम एडिट कर दूंगी और नितेश कुछ मुझे वैसे इमोजीज भेजेंगे, इमोटिकॉन्स एंड ऑल, फिर कुणाल का रिएक्शन देखेंगे। अच्छा हाँ, और सीरियस कर देंगे मोमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे कि व्हाट्सएप पे चैट चेक कर रहे हाँ, होंगे तो और थोड़ा थोड़ा ऐसे प्रिटेंड कराएंगे कि हम चीटिंग ऑन हिम और समथिंग, कुछ ऐसा। बुरी बात है ये, कोई बात नहीं करे। कहते हैं ना जिसका छोटा दिमाग होता है उसमें दिमाग बहुत होता है, ये वही है। ये रहा मैंने नंबर सेव कर लिया, ठीक है, और ये मेरा नंबर है और मैं डीपी हटाता हूं। तो कुणाल भैया को आपका नंबर नहीं पता, कुणाल भाई को मेरा नंबर नहीं पता, मुझे उनका नंबर याद है, उन्होंने उन्हें मेरा नंबर याद है। उनकी मेमोरी बहुत वीक है, वीक है, बस इसे नहीं भूला अभी तक। नितेश को मेरे डीपी रिमूव करनी पड़ रही है, डीपी रिमूव कर दिया है। चलो चलो ठीक है, अब आपको टेक्स्ट तो भेजो। डीपी अच्छी है, गंदी शकल देख ले किसी की, लेकिन लिखना क्या है? दो कब आ रहे हो बेबी, ये तू ही लिख, चल गंदे गंदे। कुणाल भाई से होगा ये, लिख दो। उनकी तबीयत खराब है और परेशान कर रहे हो, उन्हें बता, गलत बात है। कब आ रहे हो जान, रिप्लाई मी, ये वो क्यूट बनने की एक्टिंग देखो, एटीट्यूड। ओके बाय, चलो चलो, ये दो काफी है, वैसे दो काफी है आग लगाने के लिए। कुणाल भाई आ रहे हैं भाई, इतना टाइम कौन लगाता है? कुणाल नहा रहे थे, नहाए नहीं ना 2 दिन से, धीरे धीरे चल रहा हूँ ना, तबीयत खराब, इनके बॉडी पेन हो रहे हैं। Next question. Okay. So next question है, what is the last message that you received? Instagram या WhatsApp? Instagram में तो आते रहते हैं। चलो दिखाओ। Starting from कुणाल। इनके एक भाई का मैसेज आया है। हम। Boring। चलो मेरे पे तो ज़्यादा लोग ही नहीं है। राजन भैया का आया हुआ है, वो भी कोई स्टिकर है और मैंने खोला नहीं है। अरे वो यस एडिटर, तू छुपा क्यों रहा है? ये देखो, ये देखो, ये ना दिखा ना, छुपा क्या है? यस एडिटर कह रहा है, बेबी करके है कोई नहीं। अच्छा झूठ, कुणाल भी आऊंगे, कुणाल भी आ, अरे यस एडिटर कैसे तू दिखा ना, फिर दिखा जब मैं बोल रही हूं यार। ये क्या है? बेबी रिप्लाई मी, यस एडिटर कौन है? बेबी है कोई, मजे ले रहे हैं मुझसे, कुच्ची के साथ। कौन है? नंबर से देख लो भाई, मैं तो कुछ विश्वास है मुझे, तो मुझे पता है बस तुम्हारा नंबर है 87 से, मुझे पता नहीं है, मेरा नंबर थोड़ी है, मुझे पता है तुम्हारा नंबर नहीं पता मुझे, खुशी का ही पता है, तुम्हारे पता है, बताना मुझे, खुशी को बता दो हां पता है यार। तो यहां पे हमारा लास्ट के 2 डिजिट बता, मुझे लगा कि इनको नंबर मेरा याद नहीं है, तो यहां पे हमारा नंबर याद है मुझे। और तो यहाँ पे हमारा प्रैंक फेल होते हुए, आप लोग के मैसेज देख के और कमेंट देख के इतना बुरा लग रहा था ना मुझे कि मैं अपडेट दे दूँ, मैंने अपडेट से अच्छा मैं न्यू वीडियो ले आऊँ, बट न्यू वीडियो आ गई है और अब रेगुलर आती रहेगी। सबके मैसेज ये आ रहे थे कि भाई भूल गए अपना आपका चैनल, आप लोग के कमेंट मैसेज, आप भूल गए हो क्या भैया आपका यूट्यूब चैनल भी है? आप लोग सही में यार बहुत प्यारे हो यार आप लोग के मैसेज देख के मैं इमोशनल हो गया। आई लव यू ऑल। सो अब इन्होंने काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए हैं, मुझसे भी, खुशी ने भी पूछ लिए, इनका भी टर्न आ गया, लेकिन मैं रह गया। व्हाट वाज द लास्ट थिंग यू गूगल? नितेश लिरिक्स सर्च कर रहे हैं, राता लंबी लिरिक्स, उसका कैप्शन डालना होगा इन्हें। हां कैप्शन के लिए मैंने सर्च करा था, मैंने तो किया है आई हेडेक, कुणाल को हो रहा था ना, मैंने क्या है आई हेडेक। अच्छा आई हेडेक, द वॉकिंग डेड सीरीज का एक वो, हम सीरीज देख रहे थे, सब तक देख रहे थे, तो भाई 4th टाइम ऐसे वैक्स है फुल लगा के आता हूं। चलो अब मेरी बारी, मैं पूछूंगा एम्बैरसिंग फोटो दिखाओ अपने फोन में। वैसे अगर हम अच्छी दिखा देते, वैसे मेरी फोटो नहीं मिलती अच्छी आती है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं मिलती किसी को। वैसे यार सही बताऊँ तो लड़कियों को तो फायदा है, घर बैठे पैसे ले लेंगे, अपलोड कर देंगे, हमारी तो कैसे करोगे, अच्छी नहीं आती। ये मैं ही हूँ, तेरी मिल गई ये, अरे भाई साहब ये मेरी स्कूल डेज की फोटो है और ये मैंने अपलोड भी की हुई है वीडियो में, ये वाली। ये फोटो शूट चलते हुए हम सुबह से वेट कर रहे थे कि कुणाल भाई का बुखार कब कम हो। होते होते शाम हो गई, तो हम शाम को निकले और ज़्यादा रात हो गई। वीडियो से पूरी नहीं बन पाई, बट जितना हो सका हमने कवर किया। बट अभी भी 2-3 क्वेश्चन पेंडिंग है जो खुशी पूछने वाली है, तो तैयार खड़ी रहती है चुपचाप। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाउ मेनी अलार्म्स डू यू हैव सेट? मेरा तो जितने मैक्सिमम सेट कितना होता है? मेरे कुणाल के तो बेसिकली जिम्स के रहते हैं, दोनों के जिम के। मैं तो नहीं करता, क्योंकि या तो मोहक भाई उठा देते थे या फिर ये उठा देते हैं। मोहक भाई तो घर गए हुए हैं और ये उठा देते हैं। अभी इनकी तबीयत खराब है तो मुझे अलार्म लगाना पड़ता है। देखता हूँ कितने बजे का लगाया हुआ है मैंने। वैसे भी क्या शूट्स के है मेरे नहीं है, सारे शूट्स के है मेरे। 6:30, 8:15, 8:30। अब मेरे बस 3 है, 9:30, 1:30, 11:15। मेरे तो कितने हैं? मैं लगाते ही नहीं, मुझे चीज़ें याद रहती हैं, बट कभी कभी भूल जाता हूँ। और जिम के लिए लोग उठा देते हैं तो मुझे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1, 2, 3। आपका होम स्क्रीन की फोटो क्या है? बड़ी बहुत सिंपल है, मैं थोड़ा हाइट में बोल दिया। तेज बोला कर तो हमें सुनाई दे, मुंह में बोल लेती है। आपकी होम स्क्रीन की पिक्चर कौन सी है? नितेश पासवान। क्या नितेश पासवान? पासवान नहीं, पासवान। टोमूर। खुशी करकी। हाँ, जब मैं पहली बार मिला था तो मैं बोला खुशी करकी। तो सबको करकी पता है, लेकिन कारकी। मेरी है स्क्रीन ये, अपनी फोटो होगी वैसे तो। मेरी फोटो है, चलो अपने दिखाओ। क्यूट सर। कुणाल भाई की पिक्चर लगा रखी है इसने। इन्होंने ये हम तीनों की लगा रखी है। लॉक स्क्रीन थी, होम स्क्रीन थी। होम स्क्रीन तो होम थोड़ी होती है, लॉक स्क्रीन वही। ठीक है, आप समझ गए होंगे, हम भी समझ गए। होम स्क्रीन है वैसे। मैं मानता हूँ पूछने वाला पागल है और दिखाने वाले पागल है, बट फिर भी एक और क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। पूछो। व्हाट इज द लास्ट इमोजी हैव यू यूज्ड? हार्ट है। सेंड में आते हैं ना, हार्ट है। देखो पता नहीं किस किस को हार्ट दे दिया। मेरा भी हार्ट है। मेरा तो हंसी। हां, मैं तो कुणाल हंसते रहते हैं। रिसेंट दिखाओ ना। ठीक है, इसमें एक और एडिशनल क्वेश्चन, कौन सा फेवरेट इमोटिकॉन है? सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा लगता है? सबसे अच्छा मुझे सबसे अभी नया वाला है ना, दिल में जो आग निकलता रहता है। ओ आपका तो सारे ठीक है। एक बताना है, एक बताओ। खाने का कौन सा? भूख भी लग रही वैसे अभी। और मुझे पसंद है वो वाली जो खाने के बाद यम्मी वाली इमोजी नहीं वाली। खा के मोटे हो रहे हैं। तो इसका आपको समझ आ चुका है कि दिल में आग लग रही है और भूख लग रही है और यमी ने सारी तो खाने चलते हैं। तो फैमिली वीडियो का मेकअप करते हैं। कुणाल भाई की तबीयत थोड़ी खराब होने लगी, सर में दर्द होने लग गया। जितना कवर हुआ वीडियो को हमने उतना किया, और वीडियो जब रेगुलर आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल कर लो। मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि बहुत लोग हैं, मैंने 1 महीने बाद चेक किया तो वही है कि अभी भी 50 से ज़्यादा % लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते बट वीडियोस देखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।